अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग अनबॉक्सिंग Realme C2 जो कि Realme की एक बिल्कुल लेटेस्ट स्मार्टफोन डिवाइस है। लेटेस्ट में तो आती है, लेकिन ये बिल्कुल एक एंट्री लेवल के स्पेक्स हैं इसकी, और इसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट एक एंट्री लेवल के स्मार्टफोन की ही होने वाली है, विच इज गोइंग टू बी अराउंड जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो 20,000 है। तो अब देखते हैं, वो तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हमें जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमें लॉन्च से काफ़ी पहले डिवाइसेज मिल जाती हैं, हम उसको यूज़ करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, फिर लॉन्च डेट पर जाके उसका रिव्यू पब्लिश करते हैं। तो अभी तो मेरे पास डिवाइस है कि मैं इसको अनबॉक्स करूंगा, बाद में आप मोइना शाह का रिव्यू देख सकते हैं, वो आपको इसकी प्राइस भी बता देंगे और इसके स्पेक्स वगैरह आपको डिटेल में बता देंगे। सो बिफोर आई बिगिन द अनबॉक्सिंग, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि रिसेंटली जब मैंने ऑनर 8S की अनबॉक्सिंग की थी, तो मुझे उस प्राइस रेंज में वो डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि उसके स्पेक्स अच्छे थे, 19,000 इसकी प्राइस थी। लेकिन तब मैंने इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस का रिव्यू नहीं किया था, जो कि उससे भी कम प्राइस में आपको उससे ज़्यादा अच्छे स्पेक्स दे रही थी। तो सॉरी, क्योंकि उस पर मुझे काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि यार इतनी प्राइस रेंज में आपने बायस रिव्यू किया ब्ला ब्ला, लेकिन मैं आपको मैंने कहा क्लियर कर दूँ, क्योंकि मेरे पास जो डिवाइस आई थी उस टाइम पर मेरे पास वो उतनी प्राइस में वो अच्छे स्पेक्स दे रही थी, इस वजह से मैंने इसकी तारीफ़ की थी। तो अभी क्योंकि स्मार्ट 3 प्लस भी इस डिवाइस के कंपटीशन में, तो देखते हैं क्या ये उस प्राइस रेंज में अच्छा परफॉर्म कर पाती है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस भी मिल रही है, ऑनर 8S भी मिल रही है, तो ये एक थर्ड डिवाइस लॉन्च होने जा रही है। सो लेट्स बिगिन द अनबॉक्सिंग। सो दिस इज 3GB एंड 32GB वेरियंट। So the first thing that you will find in the box is this packing, which has this SIM inject tool and a user manual and nothing else. Well, this is weird क्योंकि इसके अंदर जगह तो है एक बैक कवर की, लेकिन there is no back cover inside the box. So इसका मतलब Realme C2 में आपको बैक कवर तो नहीं मिलेगा। माइक्रो USB केबल, एंड अ चार्जर USB adapter. So this is it in the box. Let's turn on the device. The back looks amazing. Design तो बहुत मज़े का लग रहा है इतनी price range के लिहाज से। अब let's see के performance कैसी है। Although it has a plastic back, लेकिन ये जो multiple shades आ रहे हैं light के different angle से reflect करने पर, that is amazing. वेल एक बात तो मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि बाकी मुझे नहीं पता परफॉर्मेंस वाइज कैसी होगी ये डिवाइस, वो रिव्यू करके ही पता चलेगा, लेकिन डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑनर 8S और इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस दोनों से काफ़ी बेटर डिज़ाइन है इसका। अच्छा, एक और चीज़ मैंने भी इसमें नोट किया कि यू गेट अ फेस एंड पासकोड ऑप्शन एज वेल इन दिस डिवाइस, जो कि आपको स्मार्ट 3 प्लस में मिल रही थी इन्फिनिक्स में, लेकिन ऑनर 8S में आपको फेस अनलॉक नहीं मिल रहा था, ना ही फिंगरप्रिंट मिल रहा था। तो फिंगरप्रिंट इसके अंदर ऑल दो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस चीज़ में आई गेस स्मार्ट 3 प्लस वुड बी बेटर देन दिस फोन, लेकिन फेस अनलॉक का फीचर आपको इसमें भी मिल रहा है। अब उसकी स्पीड कैसी है तो आपको रिव्यू में पता चलेगा। सो लेट्स चेक आउट द कैमरा। कैमरा के कलर्स तो अच्छे लग रहे हैं, इम्प्रेसिव। इतनी प्राइस में मुझे लग रहा है कि इसकी कैमरा की क्लैरिटी ज़्यादा है दोनों से, इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस से भी और ऑनर 8S से भी, लेकिन लेट्स सी। सो दिस वॉज द अनबॉक्सिंग। कंप्लीट रिव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, प्रेस द बेल आइकन, और रिव्यू भी आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड।